नमस्कार दोस्तों मिथिलाचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे की जमीन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे एवं सिविल इन्क्लेव निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज़ हो गई है जिला भू अर्जन कार्यालय द्वारा नए रनवे के लिए वासुदेवपुर बेला नवादा एवं बेलादुल्ला में चौबीस एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है इस प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन के लिए पूरी रिपोर्ट सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेज दी गई है इसकी बात पूछे जाने पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी वहीं वही नए सिविल इंक्लेव के लिए चौवन एकड़ जमीन का अधिग्रहण वासुदेवपुर मौजा में किया जाना है इसके लिए भी प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करने की प्रक्रिया की जा रही है इसके लिए तैयार प्रस्ताव को आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जा रहा हरी झंडी मिलने के बाद इस जमीन के लिए भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी बता दें कि 8 नवम्बर 2020 से दरभंगा स्थित एयरफोर्स परिसर में बने एयरपोर्ट पर उड़ान जारी है यात्रियों की संख्या बढ़ रही है विमानों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है इस बीच राज्य सरकार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराई है जिससे तेज़ गति से पूरा करने की कवायद चल रही है आपको बता दें लगातार डेवलपमेंट की बात चल रही है दरभंगा में एयरपोर्ट की अब देखने वाली बात होगी कि इससे कितने यात्रियों को फ़ायदा होता है और कितना आसपास के लोगों को भी धन्यवाद